नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की YouTube चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा और आज हम आप पहुंचे हैं गाजियाबाद से सटे मुरादनगर के गांव खुर्रमपुर में और मेरे साथ मौजूद हैं आज जितेन जी। जितेन जी की कहानी कुछ ऐसी है कि वो आईटी सेक्टर में नौकरी करते थे लेकिन आईटी सेक्टर की नौकरी में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बैकग्राउंड खेतीबाड़ी से संबंधित था, एग्रीकल्चर से संबंधित था, तो काफ़ी थक हार के उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ अपने जीवन में नया किया जाए। तो जितेन जी ने ठाना कि पर्ल फार्मिंग की शुरुआत की जाए जिससे अच्छा मुनाफा कमा सकें और कुछ नया क्रिएटिव काम अपने गांव में अपने समाज के लिए कुछ किया जा सके। जितेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबर किसान की। पर एक बार जो पूरी आपकी जर्नी थी, कैसे आपने आईटी सेक्टर की वो 9 to 6 वाली जॉब छोड़ी, फिर आपने ये पर्ल फार्मिंग शुरुआत करी, एक बार बताएं अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे कि आईटी से मतलब पढ़ाई करने के बाद में आईटी में जॉब करते हुए और काफ़ी अच्छा काम चल रहा था, ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि एक फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर से होते हुए आईटी में जॉब लग के और फिर 9 to 5 वाली आपने जो बताया जॉब करने में जो लोगों को, घर वालों को अगर हम बात करें तो सेटिस्फेक्शन था, उन्हें लगा कि हाँ बच्चा आगे बढ़ गया है। बट कहीं ना कहीं मन में ये था कि कुछ एक अलग किया जाए। और फाइनली एक दिन देखा इंटरनेट पर कि भाई मोती की खेती क्यों ना एकदम अलग है तो वो की जाए। और हम लोगों ने फिर उसके बाद 10-11 साल पहले हम लोगों ने शुरुआत की। तो धीरे धीरे कठिनाइयाँ आई शुरुआत में, क्योंकि इसकी अगर हम लोग इंडिया लेवल पे बात करें तो उस समय पे तो नहीं था ये सब चीज़ें इतना आसानी से कर पाना। बट हाँ, आज के समय में जो लोगों ने, हम जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत करके और एक मुकाम तक आए हैं और एक टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो वो अपनाई हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जितेन जी, पूरा सेटअप आपने लगाया हुआ है, लगभग इस पूरे सेटअप को कहते क्या हैं और इसमें कितना खर्चा आता है? देखिए, ये भी आपने, हम लोग RAS की बात करते हैं तो RAS ये डबल, हम लोग का ड्यूअल कहते हैं ना, हम लोग ड्यूअल सेटअप, तो ये दो तरीके का सेटअप है। RAS की तरह भी डील करते हैं हम लोग इसे और नॉर्मल जो हम लोग पोलिथीन वाले जो पोंडलाइनर के जो पोंड होते हैं उसकी तरह भी ये डील करता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हम लोगों ने रैप सिस्टम बनाए हुए हैं और इस रैप में नॉर्मल पोंड में क्या करते हैं, वो रस्सियाँ एक किनारे से दूसरे किनारे तक बांध के उससे जालियों से सीपियाँ लटकाते हैं। तो कहीं ना कहीं सीप को हम लोग टॉर्चर कर रहे हैं या इस तरीके के पोजीशन में रखा जाता है, क्योंकि ये उसे बिल्कुल बंद जाली में रख दिया जाता है तो वो अच्छे से खाना खा नहीं पाता है या मिनरल्स नहीं ले पाता है, तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। तो हम लोगों ने, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दूसरा हम लोग टेस्टिंग की जो बात करते हैं, हम लोग रेगुलर टेस्टिंग करते हैं। यहाँ आप देखोगे कि सीपियाँ जो हैं आपका बिल्कुल आराम से हैं और हम लोग भी ईजीली इसे संभाल पाते हैं, सो दैट कि हम लोग क्वालिटी की जो बात करते हैं वो हम लोग अच्छे से बढ़ा सकें। और लगभग इसमें खर्चा कितना है आपका? जैसे अगर खर्चे की बात करें तो ये ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, 20x20 का पोंड है, छोटे से आप लगाएं अगर आप कोई खुली जगह में करना चाहते हैं इस तरीके से, तो इसमें खर्चा आपका 15,000 से 20,000 रुपये का आएगा अगर जमीन आपकी अपनी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मटेरियल की बात करें तो इसमें बल्लियों का इस्तेमाल किया गया है, लोहे के चोबे हैं और ड्रम है, 500-600 रुपये का आपको मिल जाएगा और बाकी ये पोंड लाइनर डाला हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये लगभग जो फसल होती है कितना इसमें समय लगता है? और ये तो बात करी सेटअप की, तो आपने बताया 20 से 30 हज़ार रुपये, 15 से 20 हज़ार रुपये, डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप इसको कर रहे हैं, लेकिन जो इसके अंदर माल पड़ा रहता है जिसको हम सीप कहते हैं, जो हमारा बीज आता है, वो लगभग कितना खर्चा आता है उसके अंदर? देखिए, अगर हम बात करें तो लोग अभी भी, पहले हम लोग डिजाइनर करते थे, लोग आज भी डिजाइनर कर रहे हैं, बट यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको एक जॉब करनी है और 5,000 रुपये मिलेंगे और वही आपको सेम काम करना है उतने समय के लिए, 9 to 5 की जॉब करनी है और वहाँ आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, तो सीधी सी बात है मुझे लगता है कि आप मना नहीं करेंगे और 20,000 वाली आप जॉब पे जाएंगे। सो एग्जैक्टली सेम डिज़ाइनर पर्ल में भी लोग अपना टाइम और पैसा कंज्यूम कर रहे हैं, मेहनत उसमें कर रहे हैं। सो हम लोग चाहेंगे कि एक्सपोर्ट क्वालिटी में करें, जहाँ अगर आपको डिज़ाइनर पर एक गुना भी आप नहीं मिल रहा है, मतलब आपका डबल भी नहीं होगा, और जबकि यहाँ 5 गुना तक आप इजीली कमा सकते हो, और अगर आपने रिटेल किया तो 20 गुना तक आप अर्निंग कर सकते हैं। तो टाइम की अगर बात करें तो वहाँ 16 से 18 महीने का टाइम होता था डिज़ाइनर में, और आज के यहाँ अगर बात करें तो 20 से 22 महीने का समय लगता है। पानी की बात करें, इसमें पानी लगभग कितने दिन में इसको डालना होता है, कैसे करना होता है? पानी तो आप इसमें ऐड करते जाइए, ये सिस्टम में क्या करता है, ये आपका इवेपोरेट होता है, ये पानी इवेपोरेट होता जाएगा, आप ऐड करते जाइए। और आपने दो तरीके मुझे बताए थे, जैसे कि आपने प्लास्टिक पॉलिथीन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, पन्नी का इस्तेमाल किया है, और आपने बताया कि अगर नॉर्मली आप पोंड खोदते हैं उसमें, और इसमें क्या डिफरेंस रहता है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपने नेचुरल पोंड में करना है तो नेचुरल पोंड में आपको 8 से 10 महीने का समय आपको लगेगा। अच्छा। क्योंकि पोंड को रेडी करना पड़ेगा आपको एनवायरमेंट के लिए, मतलब मोती की खेती के लिए आपको टैंक बनाना या पोंड बनाना और पोंड को पर्ल फार्मिंग के लिए तैयार करना, दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। उसमें 8 से 10 महीने का समय लगता है, जबकि पोंड लाइनर वाला आज आप पोंड लाइनर डाल दीजिए, 8 से 10 दिन में आपका रेडी हो जाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये स्मार्ट
वर्क भी है और स्मार्ट किसान की तरह अगर आप काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आज के समय में वो पुरानी चीजें नहीं रह गई हैं, अब नई टेक्निक आ गई हैं, तो ये पूरा स्मार्ट वर्क है, आपको कहीं भी ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ स्मार्ट तरीके से आपको मेहनत करनी है। किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल देश के युवा जो हैं वो कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, अगर वो पल फार्मिंग करें तो वो किन किन बातों की सावधानी रखें, क्या वो बड़े सेटअप से शुरुआत करें या छोटे सेटअप से शुरुआत करें, और क्या वैरायटी वो वैरायटी पर काम करें, ये भी बताइए। जी देखिए, अगर शुरुआत की बात करते हैं तो कोई भी शुरू कर रहा है, अगर कोई पल फार्मर नया बंदा है या पहले भी कर चुके हैं लेकिन नहीं कामयाबी मिल पाई है, ऐसे बहुत से लोग हैं, तो मैं उनको हम लोग सलाह देना चाहेंगे या सजेशन देंगे कि आप जो है शुरुआत छोटे स्तर से करें, 3 से 4 महीने के बाद इसे मंथली साइकिल पे लेके आएं। अब बहुत से लोग कहें जी मैंने 50,000 सीप रख ली, किसी ने 20,000 रख ली, इकट्ठा रखने की कोशिश करते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि आप जैसे जैसे संभालते जाओ वैसे वैसे बढ़ाते जाओ, और इसे मंथली साइकिल पे 3 से 4 महीने के बाद में हर महीने आप कुछ ना कुछ एक सीपियाँ ऐड करते रहें, सो दैट कि आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो प्रॉफिट है, वो हर महीने आपको मिलता रहे। और बाकी अगर टाइप की बात करें तो एक्सपोर्ट क्वालिटी में डील करें, जिसमें 20 से 60 महीने तक का है आपका समय लगता है, और जैसे जैसे आप समय बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपका जो फिक्स डिपॉजिट की हम लोग बात कर लेते हैं तो वो आपको रिटर्न मिलता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को और अपने पर्सनल अनुभव के साथ, जो सीप फार्मिंग है, मोती की खेती है, फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? देखिए, अगर आप मेहनत करते हो, सही डायरेक्शन से काम करते हैं, तो बिल्कुल फायदे का सौदा है, और ऐसा सिर्फ कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको 20 से 24 महीने में या 30 महीने में आपको 20 गुना तक का रिटर्न दे सके, बस हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सही क्वालिटी पे आपको काम करना पड़ेगा, और पेशेंस, जैसा आपने बताया कि पेशेंस का बहुत बड़ा खेल है। जी बिल्कुल बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि पल फार्मिंग कैसे की जाए, क्या इसका सेटअप रखा जाए और लगभग इसमें कितना खर्चा आता है, पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। अगर आप कोई और भी जानकारी पल फार्मिंग से रिलेटेड जानना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो जितेंद्र जी से आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हम जितेंद्र जी का पूरा नंबर आपको दे देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर किसान की यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।